हाय जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के फर्स्ट यूनिट के बारे में। दोस्तों आपका जो पहला सब्जेक्ट है फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का दार्शनिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या होता है इसके बारे में पहला यूनिट आपका। बच्चों पहले यूनिट में आप देखेंगे अपने सिलेबस में तो टोटल तीन पॉइंट है। पहला एजुकेशन से संबंधित कि एजुकेशन क्या होता है, इसकी मीनिंग, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। और दूसरा पॉइंट है आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से संबंधित, यानी कि लक्ष्य और उद्देश्य से संबंधित। तीसरा पॉइंट है बच्चों एजुकेशनल एजेंसीज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि शैक्षिक अभिकरण। तो हम इस वीडियो में एक पॉइंट को यानी कि थर्ड पॉइंट को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, कंप्लीट समझने की कोशिश करेंगे। एजुकेशन एजेंसीज का मतलब क्या होता है, शैक्षिक अभिकरण का मतलब क्या होता है। एजेंसीज से एक चीज़ तो हमें पता है कि जिस चीज़ की एजेंसी होती है वो एजेंसी हमें वो चीज़ प्रोवाइड करती है। वहाँ पे कुछ संस्था के लोग होते हैं जो हमें वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मोबाइल की एजेंसी में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे हमें मोबाइल मिलेगा, बाइक की एजेंसी में हमें बाइक मिलेगा, बुक की एजेंसी में हमें बुक्स मिलेंगे, किताबें मिलेंगी। तो अगर यहाँ पे हम बात करें एजुकेशनल एजेंसीज का मतलब क्या होता है, वास्तव में वह संस्था, वह कारक या वह तत्व जो हमें शिक्षा प्रदान करता है हम उसे एजुकेशनल एजेंसीज कहते हैं। इसी को हम देखेंगे। अब आप देखेंगे आपके सिलेबस में कुछ टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कुछ इसके टाइप्स दिए गए हैं, फॉर्मल एजेंसीज, इनफॉर्मल एजेंसीज, नॉन फॉर्मल एजेंसीज। हिंदी में इसको कहते हैं कि औपचारिक अभिकरण, अनौपचारिक अभिकरण और निरौपचारिक अभिकरण। औपचारिक अभिकरण क्या होता है, अब हम इसको चलते हैं देखते हैं कि आपको एग्जाम्स में लिखना कैसे, और इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, टाइप्स होती हैं, तो वन बाय वन देखेंगे। चलिए तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बच्चों, और थर्ड पॉइंट आपके यूनिवर्सिटीज़ के थर्ड पॉइंट को आज हम ख़त्म करते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजेंसीज क्या होती हैं, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन क्या होती हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी हम देखेंगे। तो आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि शिक्षा अभिकरण यानी कि एजुकेशनल एजेंसीज का क्या मतलब होगा, एजुकेशनल एजेंसीज का मतलब होगा कि वो स्थान जहाँ पे आपको शिक्षा प्राप्त होता है वो एजेंसीज हो गई। बिल्कुल, अब आइए, अब आपको इसको थोड़ा किताबी भाषा में देखते हैं। अभिकरण या साधन अंग्रेजी शब्द के एजेंसी का रूपांतरण है। एजेंसी का अर्थ एजेंट का कार्य, आपको पता ना वहाँ पर एजेंट होते हैं। हम एजेंट से हमारा तात्पर्य व्यक्ति या वस्तु होता है जो कोई कार्य करता है या प्रभाव डालता है। अतः शिक्षा के अभिकरण ये तत्व के करण स्थान या संस्थाएं हैं जो बालक को शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। मतलब एजुकेशनल एजेंसीज जैसी शिक्षा अभिकरण वो क्या हैं, वह तत्व हैं, कारण हैं, स्थान हैं, संस्थाएँ हैं जो बालक पर शैक्षिक प्रभाव डालते हैं, यानी कि बच्चों को शिक्षित करते हैं। अब आइए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बीडी भाटिया ने क्या लिखा है। बीडी भाटिया ने बहुत अच्छा और सिंपल शब्दों में इन्होंने परिभाषा लिखा है कि समाज ने शिक्षा के कार्य को करने के लिए अनिन विशिष्ट संस्थाएं, विशिष्ट का मतलब स्पेशल एजेंसीज, स्पेशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, तो विशिष्ट संस्थाओं का विकास किया। इन्हीं संस्थाओं को हम क्या कहते बच्चों, शिक्षा के अभिकरण कहते। बस यहीं तक बात खत्म हो गई। तो शिक्षा के अभिकरण में आपने क्या देखा, शिक्षा के अभिकरण में आपने जाना कि वह विशिष्ट संस्थाएं जो शैक्षिक प्रभाव डालती हैं, या फिर वह विशिष्ट संस्थाएँ, या फिर वो इंग्लिश में कहते दोज स्पेशल इंस्टीट्यूट विच प्रोवाइड्स अस एजुकेशन इज नोन एज द एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, यानी कि वह विशिष्ट शिक्षण संस्थाएँ जो शिक्षा हमें देती हैं शैक्षिक अभिकरण कहलाती हैं। बात समझ में आ गई। अब आइए, ये कितने प्रकार की होती है इसको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर हम इनका वर्गीकरण करें, अगर हम इनकी क्लासिफिकेशंस करें तो ये बहुत ही जरूरी है करना। तो यहाँ पे कुछ एजेंसीज ऐसी होती हैं जो कि सक्रिय होती है, मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव होती है। अब यहाँ पे शैक्षिक अभिकरण एक ही तरह के नहीं होती, इन्हें दो दृष्टिकोण, दो दो भागों में विभागित किया जा सकता है। एक दृष्टिकोण से शैक्षिक अभिकरण दो भागों में बांटा गया है।
क्या है बच्चों, पहला सक्रिय अभिकरण। अब आप यहाँ पे देखेंगे, मतलब वह इंस्टीट्यूट यानी वह संस्थान या स्थान जहाँ पे दोनों व्यक्ति क्या हो बच्चों, एक्टिव है। जैसे मान लीजिए वो व्यक्ति हो गए जिनको शिक्षा प्राप्त करना है, और ये वह व्यक्ति हैं जो शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है। तो दोनों एक्टिव हैं, दोनों एक दूसरे के सामने हैं, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जैसे आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, तो वहाँ पर क्या होता है, सक्रिय होता है, ठीक है। और निष्क्रिय की बात करें, क्या जरूरी है कि आप शिक्षा किसी अध्यापक से ही प्राप्त करेंगे विद्यालय में जाके? आप किसी चीज़ को शिक्षा स्वयं किताब से भी तो प्राप्त कर सकते हैं। आप हो सकता है कि समाचार पत्र पढ़ लें, हो सकता है कि आप रेडियो सुन के, तो रेडियो में आप केवल सुन रहे हैं, आप उसको पूछ नहीं पाएंगे। हो सकता है आप फिल्म देख के आपको कुछ शिक्षा प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक व्यक्ति तो सक्रिय है, लेकिन दूसरा व्यक्ति निष्क्रिय है, उसे बस सुनना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के अभिकरण को हम निष्क्रिय अभिकरण कहते हैं। अब आइए ज़रा किताबी लैंग्वेज में देख लेते हैं। सक्रिय अभिकरण प्रायः यह प्रयत्न करते हैं कि सामाजिक विकास पर नियंत्रण कर ले और इससे निश्चित दिशा प्रदान कर दें। सक्रिय अभिकरण में विद्यार्थी तथा शिक्षक के मध्य प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने की बात कर रहा था वो यही है कि सक्रिय अभिकरण में विद्यार्थी तथा शिक्षक के प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया होती है। इसमें शिक्षार्थी तथा शिक्षक दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और स्वयं भी एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। अब आइए, विद्यालय, परिवार, समाज, राज्य, धर्म आदि, ये क्या है बच्चों, सक्रिय हैं। समझ में आ गई बात? ठीक उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि निष्क्रिय अभिकरण मतलब छात्रों पर तो प्रभाव डालते हैं तथा उनके सीखने को प्रभावित करते हैं, पर बदले में उन छात्र से स्वयं नहीं प्रभावित होते हैं, ठीक है। इस तरह यह प्रभाव एक ही ओर से पड़ता है, जैसे समाचार पत्र। समाचार पत्र बालक पर प्रभाव डालेगा, लेकिन बालक का अपना प्रभाव समाचार पत्र पर नहीं पड़ेगा। फिल्म, टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस आदि निष्क्रिय अभिकरणों के रूप में प्रस्तुत होता है, ठीक है दोस्तों। पर बाद में चलकर जनमत से ये भी प्रभावित हो जाते हैं, अतः शैक्षिक अभिकरण को सक्रिय तथा निष्क्रिय रूप से नितांत पृथक समझना उचित नहीं है। ये पुरानी बात हो गई। हाँ, बाद में अब ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गए जहाँ पे अपने रीडर्स और व्यूअर्स भी अपना पॉइंट रख लेते हैं, ठीक है। तो बात यह हो गई निष्क्रिय और सक्रिय की। इसको कहते हैं एक्टिव, इसको कहते हैं पैसिव। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो क्लासिफिकेशन है वो ये है बच्चों, औपचारिक अभिकरण। औपचारिक अभिकरण क्या होता है और अनौपचारिक अभिकरण क्या होता है, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इसको समझते हैं। तो चलिए यहाँ देखेंगे, आप लिखा है आपको एक अन्य दृष्टिकोण से अभिकरणों का वर्गीकरण होता है। इस दृष्टिकोण से शैक्षिक अभिकरण जो होते हैं बच्चों वह अभिकरण औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप से वर्गीकृत होते हैं। अब आइए इसको बस समझ जाइए, बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। औपचारिक अभिकरण क्या होता है? औपचारिक अभिकरण आप इसको देखिए, इसको क्या कहते हैं बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। औपचारिक शिक्षा, शिक्षा वह शिक्षा है जो एक निश्चित स्थान पर निश्चित लोगों के द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम तथा निश्चित समय में संपन्न की जाती है, उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अब इसको समझिए, निश्चित स्थान, आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वह स्थान क्या है, निश्चित है कि आप स्कूल जाते हैं। निश्चित लोग, आपके शिक्षक भी, आपके टीचर भी निश्चित हैं, के द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम, आपका सिलेबस और पाठ्यक्रम भी निश्चित है तथा निश्चित समय में, जैसे आपका BEd 2 साल में कम्प्लीट होना है, निश्चित समय में दी जाती है। इस शिक्षा को क्या कहते हैं बच्चों? औपचारिक शिक्षा कहते हैं। मतलब जहाँ पर पढ़ाने वाला, पढ़ाने वाले के जगह, पाठ्यक्रम और समय सारे निश्चित हो, उसको हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल कौन सा है कि छात्रों का स्कूल में जाके पढ़ना, ठीक है। हम संस्थाओं की बात कर लेते हैं। औपचारिक शिक्षा के संस्थान कौन है बच्चों? औपचारिक शिक्षा का मुख्य स्थान विद्यालय परिसर है, पुस्तकालय है, चित्र भवन है, ये सब क्या है? औपचारिक शिक्षा के संस्थान है। अब अनौपचारिक क्या होगा बच्चों? अनौपचारिक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वह शिक्षा, बच्चों ध्यान देखना, अनौपचारिक शिक्षा एक मुक्त शिक्षा प्रणाली है। इस प्रकार के शिक्षा प्रणाली में शिक्षक, परीक्षा, पाठ्यक्रम, समय तालिका कोई निश्चित इत्यादि नहीं होता। यहाँ पे कोई निश्चित नहीं होता, बच्चे कहीं भी स्वतंत्र रूप से शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए आप चिड़ियाघर में गए, ठीक है, तो आपने चिड़ियाघर में कई तरह के पशु पक्षी देखे, आपने देखा कि वो कैसे रहते हैं, वो कैसे खाते पीते हैं, उनका आकार कैसे होता है, वो चलते कैसे। वास्तव में यहाँ पे आपको कोई सिखाने वाला नहीं है,
कोई एक व्यक्ति नहीं है। और बात स्थान की करें तो आप किसी भी चिड़ियाघर के में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली संस्था क्या होगी, वो अनौपचारिक शिक्षा, वहाँ से प्राप्त क्या होगी, अनौपचारिक शिक्षा। आप आस पड़ोस में देखते हैं, जैसे आपने देखा कि एक अपराधी, कोई अपराधी था, अपराध सिद्ध होने के बाद उसे क्या क्या यातनाएँ मिली, जेल गया क्या, तो ये आप कैसे आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये आप अपने आस पड़ोस अपने अनुभव के अनुसार आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण क्या है बच्चों, अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत चिड़ियाघर, आस पड़ोस, समाज तथा वातावरण, मित्र मंडली, वाह 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 मित्र मंडली, खेल, सामूहिक कार्यक्रम सम्मिलित होते हैं। अब मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे एक शब्द लिखा है खेल, और ये बहुत ही अच्छा शब्द मुझे अभी ध्यान में आया। आप में से कितने लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट के रूल्स को आपने किताबों में पढ़ा है? जैसे पता है एक ओवर में 6 बॉल फेंकी जाती है, ठीक है, स्टंप में लगने के बाद वो विकेट गिर जाता है। आपने इस नियम को कब जाके ICC के वेबसाइट से पढ़ा था? कभी पढ़ा था नहीं, आपने खेलते खेलते सीख लिया, तो आपने वहाँ से शिक्षा प्राप्त की है। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं अनौपचारिक। यहाँ पे कोई निश्चित स्थान नहीं होता, आप कहीं से भी सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के हम बहुत सारी शिक्षाएँ ग्रहण करते हैं, जैसे मोबाइल चलाना आपने कहाँ सीखा? क्या आप मोबाइल के साथ वो जो हमें बुक मिलता है आपने वो बुक पढ़ के सीखा? नहीं, आपने अपने अनुभव से सीख लिया, देख के सीख लिया, अपने मित्र को से देख लिया, अपने भाई बहन दोस्त घर परिवार के लोगों को चलाते हुए सीख लिया। तो इस प्रकार की जो सीख मिलती है, इस प्रकार की जो शिक्षा मिलती है, हम उसे क्या कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। तो आपने औपचारिक और अनौपचारिक तो देख लिया, एक और शब्द आता है बच्चों निरौपचारिक। निरौपचारिक को भी देख लीजिए, उसके बाद हम विशेषताओं पर चलेंगे, ठीक है। निरौपचारिक क्या होता है, देखिए निरौपचारिक शिक्षा क्या होता है, ये ना औपचारिक और अनौपचारिक के बीच की कड़ी होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की शिक्षा प्रणाली होती है। इसमें होता क्या है कि इन दोनों से मिला जुला होता है। जैसे कि निरौपचारिक शिक्षा में न तो औपचारिक शिक्षा की तरफ विभिन्न प्रकार के बंधन होते हैं, न की तरह खुले। ये देखिए, अब जैसे हमने देखा इसमें आपका पाठ्यक्रम, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षण विधि, शिक्षण समय इत्यादि निश्चित होते हैं। मतलब आपका पाठ्यक्रम भी निश्चित रहेगा, उद्देश्य भी निश्चित रहेगा, शिक्षण विधि समय भी निश्चित रहेगा, लेकिन आप कहाँ से पढ़ेंगे शिक्षा देने वाले व्यक्ति निर्धारित नहीं होते। मैं इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, निरौपचारिक शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल क्या है, दूरस्थ शिक्षा, मतलब डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग में आपको 2 साल में BEd कम्प्लीट करना है, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कॉलेज जाके पढ़ेंगे। आप स्वयं से किताब लीजिए, स्वयं से अध्ययन के पढ़िए, ट्यूशन पढ़िए, लाइब्रेरी में जाके पढ़िए, कहीं से पढ़िए, लेकिन आपको 2 साल में कंप्लीट करना है। BA आपको 3 साल में, अब तो BSc 4 साल का हो गया, इसको आपको कंप्लीट करना है। डिस्टेंस लर्निंग इसका बेस्ट एग्जांपल होता है, जिसको हम दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई। यहाँ पे निरौपचारिक में आपका पाठ्यक्रम तो भाई, आपको BEd का पाठ्यक्रम तो श्योर है कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक। उसी प्रकार से शिक्षा का उद्देश्य भी, शिक्षण विधियाँ भी, और शिक्षा का समय भी कि आपको BEd 2 साल में ही करना है, लेकिन आपको शिक्षा देने वाले व्यक्ति निर्धारित नहीं होते हैं, जो अनौपचारिक शिक्षा के गुण दर्शाते हैं। समझ में आ गया बच्चों, चलिए बहुत अच्छा समझ में आ गया। थोड़ा सा उदाहरण और देख लेते हैं। दूरस्थ शिक्षा के समय पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि इत्यादि निर्धारित होते हैं, लेकिन बालक कहीं भी रहकर किसी भी स्थान का उपयोग करके पढ़ाई को पूरा कर सकता है। यह जरूरी नहीं कि वो उसी कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करे। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आ गए, अब औपचारिक और निरौपचारिक समझ गए होंगे ना। तो अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत आसान है, हालांकि इसकी देखने की बहुत जरूरी है, इसकी विशेषताएँ देख लेते हैं, बाकी आप खुद से लिख सकते हैं। जैसे औपचारिक शिक्षा की विशेषता, औपचारिक शिक्षा मतलब वहाँ पर जहाँ पर सब चीज़ें निश्चित हो, पढ़ने वाला पढ़ाने वाला स्थान सब निश्चित हो, उसको औपचारिक। या ये क्लासरूम में होती है, बिल्कुल क्लासरूम में होती है। औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक और विद्यार्थी कक्षा में सामने सामने होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इनका शिक्षा का उद्देश्य निश्चित होता है, बिल्कुल होता है। समय निश्चित होता है, बिल्कुल निश्चित होता है। पाठ्यक्रम निश्चित होता है, बिल्कुल निश्चित होता है। एक ही जगह पर दी जाती है, उसी को विद्यालय कहते हैं। औपचारिक शिक्षा एक निश्चित लोगों द्वारा दी जाती है, शिक्षक कहते हैं। समझ में आ गया, मतलब एक निश्चित समय, निश्चित उद्देश्य, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित व्यक्ति और निश्चित जगह विद्यालय में दी जाती है, उसको औपचारिक। ये इसकी विशेषताएँ हो गई बच्चों, ठीक। उसी प्रकार से अनौपचारिक में क्या, अनौपचारिक में कुछ चित निश्चित नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए, ये मुक्त शिक्षा प्रणाली है, मतलब आप कहीं भी सीख सकते हैं। और यहाँ पे सौ मतलब खुद के अनुभव से, सेल्फ एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं। समय निश्चित नहीं होता, ठीक है। कोई बच्चा क्रिकेट खेलना पहले सीख जाता है, कोई बाद में सीख जाता है। जैसे साइकिल चलाना आप किसी से सीख सकते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा क्या होता है, अनौपचारिक शिक्षा। कोई निर्धारित स्थान नहीं होता, कोई निर्धारित समय नहीं होता,
ठीक है बच्चों। इस प्रकार शिक्षा बालक की किसी भी चीज़ से सीख सकते हैं, अर्थात सिखाने वाला कोई भी हो सकता है। अनौपचारिक शिक्षा देने से पहले शिक्षा प्राप्ति का कोई उद्देश्य नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रकार का अनौपचारिक। निरौपचारिक की विशेषताएँ देख लेते हैं बच्चों। निरौपचारिक शिक्षा गुण इसमें देखिए, इसमें कुछ चीज़ें आपके औपचारिक और कुछ चीज़ें अनौपचारिक के मिलते जुलते होंगे, ये बीच की कड़ी है। निरौपचारिक शिक्षा का मतलब पाठ्यक्रम, समय सारणी, उद्देश्य इत्यादि निर्धारित होते हैं। इसमें क्या है, शिक्षा प्राप्त करने का स्थान कोई भी हो सकता है, किसी भी जगह, यह स्थान निर्धारित नहीं होता। इसी प्रकार शिक्षा प्रणाली में बालक किसी भी चीज़ों की सहायता से अपनी शिक्षा को पूरा कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत से, अतः हम कह सकते हैं कि निरौपचारिक शिक्षा क्या है भैया, औपचारिक और अनौपचारिक के बीच की शिक्षा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब हम किसी अन्य टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि बीएड समझने की बात है, ठीक है। अब जो रिमेनिंग पार्ट रह गए हैं आपका, जैसे कि रोल ऑफ होम या फैमिली, रोल ऑफ स्टेट और रोल ऑफ स्कूल, रोल ऑफ सोसाइटी, इन आपके परिवार की, आपके घर की, समाज की, राज्य की, स्कूल की क्या भूमिका होती है आपको शिक्षा प्रोवाइड करने में, तो हम इस चीज़ को अगले वीडियोज़ में देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी बच्चों, मुझे कमेंट में आपका इंतजार रहेगा। कमेंट में आप मुझे फीडबैक दें, क्योंकि आपके फीडबैक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छे से आपके चैनल से, आपके वीडियो के लिए काम करता हूँ, आपकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम करता हूँ। तो बच्चों आप रेगुलर बेसिस पर आपकी यूनिवर्सिटीज़ से संबंधित वीडियोज़ मिलेंगे मेरे चैनल पर। नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। अब एक साथ मिलकर पढ़ना है, अपने और दोस्तों को शेयर करिए, वीडियोस को जोड़िए इस चैनल से, सब मिलकर एक साथ पढ़ाई करेंगे और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके सारे सब्जेक्ट्स के सारे यूनिट को एक्सप्लेन करके आपको समय से पहले आपका कोर्स पूरा कर दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बीएड में जो क्लासेस नहीं जा पाते हैं, क्योंकि घर से पढ़ाई करते हैं या फिर कहीं ट्यूशन पढ़ाते हैं या कहीं काम करते हैं। उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, आपको बस इतना करना है कि चैनल से जुड़ जाना है और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इसके रिमेनिंग पार्ट को आप उसे देख लीजिए, आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगले वीडियो में फिर हम बात करेंगे किसी और यूनिट की। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत साथियों।